थैली मो पार कर दो दुनी एडी मेलो एडी थैली मो पार कर दो पूरी गा दो मार मत रहा ये वहां से जाली पास लाए हैं ये देखो चुल्लों में जलाए करके राख किए हुए हड्डी है ये हिरणों के अवशेष की हड्डी है और हिरणों को धरले से मारा गया है। पुलिस जाने के बाद उन्होंने सब नष्ट कर दिया। पुलिस के अधिकारी और सब मिलके ये हड्डियां वगैरह वहाँ पकड़ लेते हैं, बाकी कच्चा माल सब और ग्रामीणों ने जाती है सब सप्लाई कर ग्रामीणों ने खुद कल डीओपी साहब और पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में वन्य जीवों के कंकाल और हिरणों के ये हड्डिया ये सारी बरामद करवाई थी, लेकिन वो कह रहे ठीक है एफएसएल में भेजी गई है। एफएसएल क्या पता कब आए कब नहीं करे, इतनी सबूत के साथ बोल रहे हैं सबूत के साथ ये कॉपी दूर हाँ बिल्कुल सर। वन विभाग प्रशासन वन विभाग प्रशासन फांसी दो फांसी दो हिरणों के हथियारों को फांसी दो फांसी दो वन विभाग प्रशासन वन विभाग प्रशासन बाड़मेर जिले में जालीपा कैंट और कपूरडी ग्रिडनेट लिमिटेड कंपनी के आरएसएमएम एरिया के अंदर बड़ी धड़ले से और कई समय से वन्य जीव से हिरणों का शिकार हो रहा है, जो ग्रामीणों की सूचना के आधार पर हमें सूचना मिली दो दिनों से। और ग्रामीण के रूप में भाई जोगेश्वर जी और कन्याराम जी ने जो बताया कि जिस तरीके से शिकारी वर्ग के लोग हैं वो कंपनी में कार्यरत करने वाले जोगी हैं और उन्होंने यहाँ हिरण जो मार करके उसका मांस पका करके पूरी कंपनी के अंदर सप्लाई होता है। तो अधिकारी वर्ग के जो लोग हैं, सबसे पहली बात तो जो कंपनी का कैंट का इलाका है उसमें हर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, तो जोगी जो शिकारी वर्ग के लोग हैं वो डेरे लगा करके बैठे हैं, तो उनके खिलाफ कंपनी के नॉलेज में होते हुए भी ध्यान नहीं दिया गया और वो उन लोगों ने बड़ी धड़ले से वन्य जीवों का शिकार किया गया। और आज हम लोग खुद मौके पर जाकर गए हैं, देखें और वहाँ पे हम लोगों को अवशेष मिले हिरणों के। बहुत बड़ा इलाका है जो करीब 47-48 हज़ार बीघा के अंदर जमीन है और वहाँ धड़ले से भी शिकार के साथ साथ जो खेजड़ियाँ हैं जो हरे वृक्ष हैं वो भी धड़ले से काटे जा रहे हैं, लेकिन कंपनी का कोई इस तरह प्लांट का कोई प्रारूप नहीं है कि इतने पेड़ काटे जा रहे हैं वो कब लगेंगे कहाँ लगेंगे। इतने सारे ग्रामीणों की सूचना पे पता चला कि इतने सारे झुंड के झुंड वन्य जीव पाए जाते थे, लेकिन आज देखने को गिने चुने वन्य जीव मिलते हैं। तो हम लोगों के वन्य जीव प्रेमियों की भावना को बहुत आहत हुई है और हम लोगों को ठेस पहुंची है। हम जिला कलेक्टर महोदय साहब को आज एक सांकेतिक रूप में निवेदन करने आए हैं कि जिस तरीके से जालीपा कैंट और कपूरडी कैंट के अड़ोस पड़ोस में शिकारियों ने जिस तरीके से धड़ले से शिकार किए उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा हमारी विष्णोई समाज सहित संपूर्ण 36 कौम के लोग वन्य जीव प्रेमी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम लोगों को आंदोलन के लिए मजबूर करेंगे। ग्रामीणों की सूचना के आधार पे वो टाइम से लोगों को पता है, लेकिन ग्रामीण लोगों जो ग्रामीण लोग शिकारियों के खिलाफ कंपनी के खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ 107 की कार्रवाई करवा करके पुलिस के द्वारा झूठे मुकदमे करवा करके उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो यहाँ स्थानीय ग्रामीण लोग उन पुलिस प्रशासन और कंपनी के तानाशाही अधिकारियों से भयभीत डरे हुए वो लोग बोलते नहीं है। आज उन लोगों ने 107 की कार्रवाई कंपनी के लोग करवाते हैं, जो पिछले अपने जोगेश्वर जी हैं उनके साथ में जो सुमेर
प्रधान जी है वहाँ वो कपने के इंचार्ज है, उनको शिकारियों ने इन्होंने एक वीडियो बनाया था शिकारियों को मांस पकड़ते हुए, उसका एक सबूत था, वो सबूत जला रहा था, नष्ट कर रहा था, तो इन्होंने वीडियो बनाया, तो वीडियो बनाते ही वो इन आपने घर पे गए, तो पुलिस के द्वारा धन्ना पुरी जी जो सी साहब है उनको बुला करके जोगेश्वर जी को गिरफ्तार करवा दिया गया और 107 के अंदर बंद करवा के उनको पाबंद कर दिया गया। तो ये लोग सब डरे हुए, इन लोगों ने हमारी संस्था विष्णु टाइगर फोर्स को निवेदन किया और हम लोगों ने आज यहाँ आकर के मौका स्थिति देख करके इन लोगों से बातचीत की है और आगे भी हम अगर शिकारी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, दो दिन हुए दो शिकारी गिरफ्तार हुए, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनको कागजों में नहीं लिया है, ना तो उनका रिमांड लिया गया है, न उनसे पूछताछ की गई है। इसका मतलब खुला खुला दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन, वन विभाग प्रशासन और कंपनी के लोग मिले हुए और मिल करके वन्य जीवों की हत्या करवा रहे, देखिए जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगी। हत्या करने के बाद सप्लाई कहाँ करते थे? वहाँ स्थानीय लोग स्थानीय मांस में खाते हैं, कच्चे बर्तनों में, कच्चे चूल्हों पे पका करके। मैं खुद मौके पे जाके देख के आया हूँ, बड़े बड़े दो दो ढाई ढाई फुट के गड्ढे खोदे गए और गड्ढों के अंदर मांस को नीचे गाड़ा गया, फिर बाद में मांस को बाहर निकाला गया और जो कच्चे चूल्हे पे हिरणों के मांस को पका करके जो हमें अवशेष मिले, हड्डियां मिली है, बली हुई जली हुई हड्डियां मिली, वो हम लेके आए, देखा है हम लोगों ने। तो इस तरीके से शिकारी वर्ग के लोग इस तरीके से शिकार करके क्या पता कितने वन्य जीव हिरणों को ही मार करके खा गए, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन प्रशासन मौन है और वन विभाग प्रशासन बिल्कुल कार्रवाई में कोताही बरत रहा है। आज 48,000 बीघा जमीन के अंदर कम से कम 40 किलोमीटर की रेंज के अंदर ये अवशेष आपको कहाँ पे मिले, क्या अवशेष है आपके पास? ये हिरणों के बाल है और हिरणों की हड्डी है जो हमें वहाँ पे मौके पे मिली है। हम लोग वहाँ मौका निरीक्षण करके आए हैं अभी ग्रामीणों के साथ में, और ये इस तरीके की ये हड्डी है जो हम लोगों ने वहाँ सबूत के रूप में पहले प्रशासन को यहाँ ग्रामीणों ने एकत्रित करके दिया था, लेकिन अभी तक उन शिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और शिकारी दो आरोपी गिरफ्तार है। लेकिन अभी हमारी डीओपी साहब से बात हुई थी, डीओपी साहब कह रहे हैं हम इसको पूछताछ करके छोड़ दिया है। ऐसे कैसे छोड़ दिया है? अगर वो आरोपी हैं, सबूत मिले, वीडियो उनके साथ में और उनको छोड़ दिया, ये बिल्कुल वन विभाग और कंपनी के लोगों की मिलीभगत है, जो प्रशासन बिल्कुल आंखें मूंद के कंपनी के शिकारियों के साथ में रह करके कार्रवाई नहीं करता है, हमें कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर के हम बहुत बड़े विशाल रूप से आंदोलन करेंगे बाड़मेर जोधपुर संभाग में।